हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 39 + 7 × 6 × 5 × 6 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये हमें एक्सप्लेन करना है, कंपोजिट नंबर है या नहीं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स या हुज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर बट नॉट वन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जो कम से कम मोर देन टू फैक्टर हो, कम से कम दो हो, ज्यादा से ज्यादा कोई अलग हो, जिससे वो डिवाइड भी हो जाए और उनके प्रोडक्ट भी हो। जैसे 4 के 2 × 2, अब इसके प्रोडक्ट से डिवाइड भी हो जाएगा। से 8, ये भी कंपोजिट है। तो खुद के टेबल में जैसे 1 नहीं होगा और खुद नहीं होगा, 1 और इटसेल्फ ये दोनों नहीं होंगे। ये चीज हमें याद रखनी है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है हमारा 7 × 11 × 13 + 13। अब इसे हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं, इसमें बॉड मास से सॉल्व करेंगे। बॉड मास पता ही होगा सबको। बॉड मास पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 × 7 = 77 × 13 + 13। 13 × 7 = 91, कैरी 9 हो गई। 13 × 7 = 91 ऐड कर दिया, क्या आया 100। तो 1001 + 13 जोड़ देंगे तो क्या होगा 1014। अब 1014 कंपोजिट है या प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं क्या होंगे। 1, 4, अब इससे पता लग जाएगा कितने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। कुछ नंबर है जिनसे ये डिवाइड होगा, देखते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 2, 7 = अभी 3 से हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27। ये 13 का स्क्वायर होता है। तो ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, ये देखो मोर देन टू फैक्टर आ गए जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा। क्या 1014 किन से डिवाइड हो रहा है, 2, 3 और 13 × 13। सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज देयर sums is divisible by this। यहां रीजन लिख दीजिए क्या है, 7 × 11 या ऐसे लिख दीजिए, it is divisible by some prime factors, some prime factors। So, सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन आर कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं ये कंपोजिट है या नहीं। सेकंड वाला, सेकेंड में क्या है, द
फाइव इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। वार्ड मास में पहले मल्टीप्लाई बाद में ऐड आएगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव फोर जा ट्वेंटी, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स प्लस फाइव। अब इसका कर दीजिए, एक जीरो दो जीरो, टू थ्री जा सिक्स इंटू सिक्स प्लस फाइव, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स प्लस फाइव। अब क्या हो जाएगा, इसमें फाइव जोड़ देंगे तो क्या होगा, थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव। ये अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, फाइव से तो डिवाइड हो रहा है, अगर ये फाइव से डिवाइड हो जाएगा तो कंपोजिट नंबर होगा। कंडीशन क्या है कि वो वन और खुद से, उस खुद को छोड़कर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये किससे पता कर लो यार, डिवाइड करके, ये फाइव से डिवाइड हो रहा है, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव वन जा फाइव। अब ये डिवाइड हो गया किससे, फाइव से, तो फाइव से पता लग रहा है, यहां लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई फाइव। सो सेवन सिक्स फाइव फोर टू इंटू वन प्लस फाइव इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर वही होते हैं जो खुद के टेबल से और वन के टेबल को छोड़कर अदर टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ये याद रखना है बस। क्वेश्चन हो गया। अगर बच्चों अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।